क्या ये दोनों यहाँ पे इक्वल हैं और यहाँ पर ये दोनों कौन सी प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको ऐड कर लेते हैं। तो पहले मैं इसको ऐड कर लेता हूं, 8 और 2 10। ठीक है, 9 और 1 10, आप चाहें तो अलग से इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद 3 2 5 और 1 6, और यहाँ पे ये 9 और ये 3 प्लस में 7 2 6 ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 0 6 6 रहेगा, 2 प्लस 0 2 रहेगा, 7 और 6 13, 9 और 1 10 और 3 और 1 4, 40 3 26 हो गया। अब मैं इसको देखता हूँ, तो यहाँ पे 39208, हम इसी को सॉल्व करेंगे ना सबसे पहले ब्रैकेट वाले को। ठीक है, तो यहाँ पे 6 और 2 8, 9 और 2 11, इसके बाद 7 3 10 और 1 11, देखो 6 2 8 9 2 11 7 3 10 और 1 11, इनको ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 8 8 16, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 1 और 1 2, ठीक है, 2 और 1 3, 9 और 1 10, 40 3 से 26। तो दोनों ही कंडीशन में जो हमारा रिजल्ट है वो क्या आया है, सेम आया है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या राइट कर सकता हूं, पूछा था इसने क्या ये दोनों इक्वल है, तो लिख देंगे यस दीज आर इक्वल, दीज आर इक्वल। कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो। कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में यही तो होता है कि हम यहां पे ग्रुपिंग करते हैं। देखो इधर हमने इनकी ग्रुपिंग की, 39208 प्लस 392 की, यहां पे हमने 392 प्लस 726 की ग्रुपिंग करी है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में ऐड करने पर जो हमारा रिजल्ट है वो आया है सेम, इसलिए यहां पे क्या आएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।